नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियल के जाने माने लेखक, डायरेक्टर और सुनहरे दौर के दिग्गज कलाकार रामानंद सागर का जन्म 19 दिसंबर 1917 को लाहौर में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमौली रखा गया था। उनके दादा पेशावर से आकर परिवार समेत कश्मीर में बस गए। जब रामानंद 5 साल के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। बहुत छोटी उम्र में ही रामानंद सागर को उनके निसंतान मामा ने गोद ले लिया। यहाँ उनका नाम चंद्रमौली से बदलकर रामानंद सागर रखा गया। रामानंद सागर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो दिन रात पढ़ने में लगे रहते थे। संस्कृत में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। रामानंद जी पंजाब के जाने माने अखबार डेली मिलाप के संपादक भी रह चुके थे। रामानंद जी ने 16 साल की उम्र में अपनी पहली किताब प्रीतम प्रतीक्षा लिखी। इसके अलावा उन्होंने 32 लघु कथाएं, 4 कहानियां, 1 उपन्यास और 2 नाटक भी लिखे। साल 1942 में रामानंद जी को टीवी की बीमारी हुई। तब उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसका नाम था डायरी ऑफ टीवी पेशेंट। लाहौर की एक मैगजीन में उनका ये आर्टिकल छपा। बता दें कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रामानंद जी ने जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी देखे जिसमें उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्यून से लेकर के साबुन बेचने वाले तक का काम किया। यहाँ तक कि सुनार की दुकान में हेल्पर और ट्रक क्लीनर का भी काम कर चुके थे। इस तरह जितने पैसे आते थे वे अपनी पढ़ाई में लगाते थे। ऐसा करते हुए उन्होंने काम के साथ अपनी डिग्री भी हासिल की। साल 1932 में रामानंद सागर के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। फिल्मों में उन्होंने बतौर क्लैपर बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद वो मुंबई आए और फिर यहीं पर रहने की ठानी। साल 1940 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स में बतौर असिस्टेंट स्टेट मैनेजर काम किया। इसके बाद रामानंद सागर जी ने राज कपूर की फिल्म बरसात की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई। उन्हें 1968 में आई फिल्म आग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद रामानंद जी ने टीवी की तरफ रुख किया। तब 25 जनवरी 1987 को उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। टीवी पर रामायण का प्रसारण हुआ। जब टीवी पर रामायण आती तो सड़कें सूनी हो जाती। हर कोई घरों पर टीवी के सामने चिपक कर बैठ जाता। इसके अलावा रामानंद जी ने कई सारे हिस्टोरिकल सीरियल हमें दिए जिसमें कृष्णा, लव कुश, अलिफ लैला, विक्रम बेताल को कोई कैसे भूल सकता है। रामानंद जी एक बहुत ही भावुक व्यक्ति थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उन्होंने हिंदी और उर्दू में एक किताब लिखी जिसका नाम था इंसान मर गए, अंग्रेजी में जिसका टाइटल हुआ एंड ह्यूमैनिटी डाइड। साल 2000 में रामानंद जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। 12 दिसंबर 2005 को वो घड़ी लेकर आया जब 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उन्होंने ऐसा काम किया कि वो उनको अमर बना गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में रामानंद सागर जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।